Om Shanti. Murli here, 10th January 1988. Maya ke bhinn bhinn vignon ke samay va prakriti ke bhinn bhinn paristhitiyon ke samay main laga kar dekho ki jo maine manan kiya ki is paristhiti ke praman va vigna ke praman यह ज्ञान रत मायाजित बना सकते हैं वा बनाने वाला है वह प्रैक्टिकल हुआ अर्थात मायाजित बने वह सोचा था मायाजित बनेंगे लेकिन मेहनत करनी पड़ी वह समय व्यर्थ गया इससे सिद्ध है कि विधि यथार्थ नहीं थी तब सिद्धि नहीं मिली यूज करने का तरीका भी चाहिए अभ्यास भी चाहिए जैसे साइंस वाले भी बहुत पावरफुल बॉम्ब्स ले जाते हैं समझते हैं बस अब इससे अब तो जीत लेंगे लेकिन यूज करने वाले को यूज करने का ढंग नहीं आता तो पावरफुल बॉम्ब्स होते हुए भी यहां वहां ऐसे स्थान पर जाकर गिरता है जो व्यर्थ चला जाता है कारण क्या हुआ यूज करने की विधि ठीक नहीं ऐसे एक एक ज्ञान रत्न अति अमूल्य है ज्ञान रत्न व ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिति व विघ्न ठहर नहीं सकते लेकिन अगर विजय नहीं होती तो समझो यूज करने की विधि नहीं आती दूसरी बात मनन शक्ति का अभ्यास सदा न करने से समय पर बिना अभ्यास के अचानक काम में लगाने का प्रयत्न करते हो इसलिए धोखा खा लेते हो यह अलबेलापन आ जाता है ज्ञान तो बुद्धि में है ही समय पर काम में लगा लेंगे लेकिन सदा का अभ्यास बहुत काल का अभ्यास चाहिए नहीं तो उस समय सोचने वाले को क्या टाइटल देंगे ज्ञान बुद्धि में है परंतु अभ्यास नहीं है तो उस समय जो सोचता है समय पर परिस्थिति आने में उसको क्या टाइटल देंगे बेसमझ यहाँ थोड़ा फर्स्ट क्लास बेसमझ यहाँ बाबा कुछ और टाइटल दे रहे कुंभकरण उसने क्या अलबेलापन किया यही सोचा ना कि आने दो आएंगे तो जीत लेंगे तो ऐसा सोचना कि समय पर हो जाएगा यह अलबेलापन धोखा दे देता है इसलिए हर रोज मनन शक्ति को बढ़ाते जाओ ये जो मुरली है 10 जनवरी की 88 की 88 की जो मुरली है मनन शक्ति पर चली हुई सर्वश्रेष्ठ मुरली है उसका ये छोटा सा भाग यहाँ पर लिया हुआ है परंतु अगर मनन शक्ति की सबसे अच्छी मुरली हो तो सबसे पावरफुल मुरली है ये मुरली है जिसमें क्योंकि हमने बीच से पढ़ा तो बहुत कुछ समझ में नहीं आया परंतु यहाँ बाबा इस मुरली की जो शुरुआत है बहुत सुंदर शुरुआत है इसके लिए मैं चाहूंगा कि हर एक ये पूरी मुरली पढ़े 10th जनवरी 1988 की ज्ञान सागर बाप रत्नाकर बाप ज्ञान सागर ज्ञान रत्नों से मिलने यहाँ आए बाबा देख रहे हैं कि हर एक ने कितने कितने ज्ञान रत्न धारण किए हुए हैं किसी किसी ने बुद्धि तक रखा है बस किसी किसी ने झोली में भरा है बुद्धि तक रखा है बाबा ये देख रहे हैं कि किसने उसको कार्य में लगाया है जीवन में लगाया जीवन के हर कार्य में जीवन के हर कर्म में कितना लगाया हुआ है एक है ज्ञान रत्न को धारण करना एक है बुद्धि तक रखना एक है वो जीवन में समा जाना बाबा ने यहाँ बहुत सारी कैटेगरीज बताई है इस मुरली में कोई कोई ऐसे है कोई कोई ऐसे है कोई कोई ऐसे है और इस सब का कारण क्या है क्योंकि कहा ज्ञान रोशनी भी है ज्ञान पढ़ाई है ज्ञान लड़ाई के लिए श्रेष्ठ शस्त्र भी है ज्ञान लाइट है माइट है
इस मुरली में ज्ञान की बहुत गुह्य परिभाषा दी हुई है। और फिर उसमें कहा है कि ये जो बातें हैं, ज्ञान एक एक ज्ञान रत्न अति अमूल्य है, परंतु सबको एक समान दिया गया ज्ञान रत्न, फिर भी कोई मालामाल हो गया, कोई बाप समान बन गया, परंतु किसी के पास ज्ञान रत्न है परंतु कार्य में नहीं लगा सकते, किसी के पास है ही नहीं। ऐसे भिन्न भिन्न कैटेगरी इस मुरली में इस पैराग्राफ के पहले बाबा वर्णन कर रहे हैं। और उसके बाद में पूछा कि इसकी कमी क्या, ऐसा क्यों हुआ कि सबको समान ज्ञान दिया उसके बाद भी ऐसा क्यों हुआ। फिर वहां पे कहा क्योंकि मनन शक्ति की कमी है। मनन शक्ति की जो परिभाषा यहाँ दी है, अब तक की जो दी गई परिभाषा है, सबसे गुह्य है। बाबा ने कहा मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाना, एक दूसरा अंतर्मुखी हो जाना, और तीसरा एक एक रत्न की गुह्यता में जाना। ये तीन परिभाषा मनन शक्ति की दी है। और कहा कि जो भी ज्ञान की पॉइंट्स है उसको चार रीति से मनन करो, जो भी ज्ञान की पॉइंट्स आती है उनको चार रीति से मनन करो। जो भी कान से सुनते हो, जैसे आज के वरदान में है ना, जो भी सुनते हो और देखते हो सार को समझ लो, और मुख से और बोल से केवल सार निकले। फिर तो जो भी सोच देखते हो और सुनते हो उससे सार को समझ लो, ये आज के वरदान में है। तो यहाँ बाबा बात कर रहे चार विधि है कि जो भी कैसे मनन करो। इस मुरली का हेडिंग ही है मनन करने की विधि, मनन शक्ति और मनन करने की विधि। बाबा ने कहा है जो भी सुनते हो उसको सबसे फर्स्ट, इस पॉइंट का राज क्या है, जो भी सुन रहे हो उससे ये सोचो कि इस पॉइंट का राज क्या है। दूसरा, किस समय इसे कार्य में लगाया जाए। कोई भी पॉइंट कहां पर भी आया, कोई भी समान, क्या सोचना है सबसे पहले कि इस पॉइंट का राज क्या है। मनन शक्ति की ये चार विधि यहां बताई है, इस पॉइंट का राज क्या है, एक। दूसरा, किस समय इसे कार्य में लगाया जाए। तीसरा, किस विधि से कार्य में लगाया जाए। और चौथा, दूसरों की सेवा के प्रति इसको कैसे कार्य में लगाया जाए। ये चार विधि बाबा ने यहाँ बताई है। कोई भी पॉइंट ज्ञान की सुनने के बाद सबसे पहले, जैसे उदाहरण के तौर पर कल की मुरली से, कल की मुरली का कोई भी एक समान बोलो, कोई भी एक समान, इधर से, पीछे से, इधर से नहीं, मैं अधिकारी आत्मा हूं, ये चाबी है। इसको कल बाबा ने कुंजी बताया, चाबी बताए, चाबी लगाओ तो सारे खजाने तुम्हारे। तो अभी ये जो पॉइंट है इस मुरली में बाबा ने कहा है मनन शक्ति से और एक काम होता है, जो बाप का खजाना सो मेरा खजाना, ये अनुभव बिना मनन के नहीं हो सकता है। नहीं तो लॉकर का उदाहरण दिया है इसी मुरली में बाबा ने, जैसे कोई खजाना है लॉकर में है, दिलासा रहता है कि पैसे है परंतु कार्य में नहीं लगते वो, उसका उपयोग ना स्वयं को ना दूसरों को, अपनी घोट तो नशा चढ़े, इसी मुरली में है। एक और लाइन यहाँ, और यहाँ जो उदाहरण दिया बॉम्ब का उदाहरण दिया, तो वो आगे है विधि में। तो ये चार रीति से, तो एक उदाहरण, जैसे मैं अधिकारी आत्मा हूं, तो मैं अधिकारी आत्मा हूं चार विधि है, एक एक को लगाओ। सबसे पहले इस पॉइंट का राज क्या है, बाबा ने इसी मुरली के फिर ये चार बातें है, इन्हीं का विस्तार भी किया है आगे। ये जो राज में जाओगे तो रस आएगा, मैं अधिकारी आत्मा हूं। फिर यहां पर अधिकारी आत्मा क्यों हूं, किसने कहा हूं, कब हूं, किस कारण से हूं, क्या क्या मेरे अधिकार है, या मुझे कौन कौन से अधिकार प्राप्त हुए हैं, कौन कौन सी अथॉरिटी प्राप्त हुई है, ये सारा उसका चिंतन है, ये सारा उसका मनन है। केवल ये सुन लेना कि ये चाबी है, इससे खजाना नहीं खुलेगा। बाबा ने कल बोला ना, चाबी अटक तो नहीं जाती है। तो मैं अधिकारी आत्मा हूं, ये तो महावाक्य है, ये पॉइंट है, इसका राज क्या है, क्यों कहा गया ऐसा अधिकारी आत्मा, और मुझे ही क्यों कहा गया, क्या संसार के सभी आत्माओं को भी ऐसा कहा गया, क्या भक्तों के लिए भी ये है, क्या सन्यासियों के लिए भी ये कहा गया है, कि केवल परमात्मा संतान है उनके लिए कहा गया है।
ये उसका विस्तार है। बाबा ने कहा विस्तार करो और स्पष्टीकरण करो, एक एक ज्ञान के पॉइंट का विस्तार और स्पष्टीकरण में जाओ तो मनोरंजन का अनुभव होगा, नहीं तो नहीं। केवल सुन लिया, जैसे उसमें और एक पॉइंट बहुत अच्छी है, कोई पॉइंट ज्ञान की बहुत अच्छी है, अच्छी तो है पर थोड़े समय के लिए अच्छी है, फिर वो अगर उसका विस्तार नहीं किया, स्पष्टीकरण नहीं किया, गहराई में नहीं गए, मंथन नहीं किया, मनन नहीं किया, थोड़े समय के लिए अच्छी है, फिर खो जाएगी। कुछ समय याद रहेगी, फिर याद नहीं रहेगी। इसके लिए हर पॉइंट को जीवन में संभालो, हर पॉइंट को जीवन में धारण कर लो, हर पॉइंट कार्य में लगाओ और दूसरों के प्रति भी लगाओ, स्वयं के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी, और फिर देखो, चेक करो, फिर माया जीत बनेंगे, फिर माया आ नहीं सकती, फिर बुद्धि शक्तिशाली बनेगी। यहाँ भोजन का फिर से उदाहरण दिया जो कल की मुरली में दिया था, इस मुरली में फिर से भोजन का उदाहरण दिया हुआ है। जब भी मनन की बात आती है तो बाबा भोजन का उदाहरण हमेशा देते हैं, भोजन खून बनता है, शक्ति बन जाती है, तो ये ज्ञान भी शक्ति बन जाए। जो गाय उगाड़ती नहीं है उसे बीमार समझा जाता है, तो जो बच्चे ज्ञान का मनन चिंतन नहीं करते वो भी गोया बीमार है। तो जो जो बीमार है वो हाथ खड़ा करो, कौन कौन बीमार है? जो ज्ञान का चिंतन नहीं करते वो सभी बीमार है, उनको बीमार ही समझना, क्योंकि जो गाय उगाड़ती नहीं है, हमारा जो मैंने कहा था ना एक बार भी, मेरा जो कमरा है उसके सामने बिल्कुल एक गाय रहती है, सुबह सुबह जैसे निकलता हूँ वहां से तो गाय दिखती है और बैठी हुई उगाड़ती रहती है, बहुत ही प्रेरणा मिलती है मुझे उससे। तो जो बच्चे नहीं उगाड़ते, चीव द कड, इंग्लिश में कहते हैं चीव द कड, ये फ्रेज है, एक मुहावरा है जिसका अर्थ है उगाड़ना। तो उगारते रहना, मनन करते रहना तो बुद्धि शक्तिशाली बनेंगी। तो चार बातें हैं, सबसे पहले इस पॉइंट का राज क्या है, तो मैं अधिकारी आत्मा हूं कि वो अधिकारी हूं, इसके थोड़े हम गहराई में जाए। दूसरा, किस समय से कार्य में लगाना है। पॉइंट तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लगता है सुनाने के लिए, चाबी है, अधिकारी आत्मा हो, चाबी लगाओ तो खजाने तुम्हारे, सुख शांति प्रेम सारे खजाने, जो बाप के खजाने तो तुम्हारे खजाने, परंतु चाबी कैसे लगाए, ये अलंकारिक भाषा है चाबी, ना तो कोई चाबी है ना तो कोई खजाने है, ये तो भाषा का खेल है, शब्दों का खेल है, यहाँ तो सारा सूक्ष्म है, गुप्त है, प्रख्यात हो जाता है कर्मों में आने के बाद। तो दूसरा है किस समय इसको कार्य में लगाए, कौन कौन सी परिस्थिति आ जाए, परिस्थितियों के समय कार्य में लगाना है, ऐसे ही नहीं कि बस खुश हो जाए हमारे पास बहुत ज्ञान रत्न है। वो ज्ञान रत्न में निखार तभी आएगा जब वो परिस्थितियों में लगेंगे, कार्य में लगेंगे, ये इसमें ये आगे का पैराग्राफ है उसका। फिर तीसरा, किस विधि से कार्य में लगाना है, इसमें कहा ना बॉम्ब तो बहुत शक्तिशाली बना दिया, अभी जिन्होंने बनाया उनको बड़ा नशा है और न्यूज़पेपर में आ गया कि इन्होंने बहुत शक्तिशाली बॉम्ब बनाया, पर जिनके पास दे दिया उनको अभी चलाना नहीं आता है, ऐसे वैसे फेंक दिया और कहीं गलत जगह गिर गया। तो किस विधि से कार्य में लगाना, यह जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा, वो सबसे पावरफुल पॉइंट है, पहले जब हम अपने पर एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके बाद ही हम कह सकते हैं दूसरों को, पहले हम जैसे भोजन के ऊपर कोई खुद एक्सपेरिमेंट करे, महात्मा गांधी ने सारी लाइफ उनका भोजन पर ही एक्सपेरिमेंट किया है, क्योंकि ब्रह्मचर्य और भोजन का जबरदस्त संबंध है, विदाउट कंट्रोल ऑफ पैलेट द प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य इज इम्पॉसिबल, बिना भोजन के संयम के ब्रह्मचर्य सदा नहीं जा सकता, ब्रह्मचर्य की साधना के लिए, साधने के लिए भोजन बहुत आवश्यकता है। तो सबसे पहले प्रयोग उन्होंने किसके ऊपर किए, अपने शरीर के ऊपर किए। दैट इज मस्ट, वो सबसे आवश्यक है, अनिवार्य है वो ब्रह्मचर्य की साधना में, और ब्रह्मचर्य तो मेन पिलर है पवित्रता का, और उसका मेन पिलर है भोजन,
सीधा संबंध भोजन से। भोजन में जहाँ बहुत तेल मिर्च और मसाले हैं, वहां ब्रह्मचर्य हो ही नहीं सकता, असंभव है। एक ब्रह्मचर्य का भोजन जो है वो एकदम सादा, जिसमें मसाले रहित हो, तीखा उसमें ना हो, नमक से भी रहित हो, वो नमक भी कामोत्तेजक है। जो ऐसा कोई तो कहते हैं केवल बॉइल्ड, कोई तो कहते हैं अनकुक्ड, ये जो भोजन है, जो ब्रह्मचर्य के लिए इतनी सारी साधनाएं कर रहे हैं फिर भी नहीं होता है, ये भोजन को धारण करो तो स्वतः सब कुछ हो जाएगा। स्वतः देह से उपराम अवस्था, मेहमान अवस्था, सारे का अनुभव एक ढक से होना चालू हो जाएगा। परंतु वो हिम्मत करनी पड़ेगी, हिम्मत का एक कदम चाहिए। बहुत बड़ा स्वाद का जो जाल बिछा हुआ है चारों ओर, उससे बाहर निकलना ये महारथियों का ही काम है। जगदीश भाई का बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है, ऐसे करते रहते हैं भोजन के बाद, बस वो कैसे योग लगा सकेंगे। थोड़ा थोड़ा कहते हैं, थोड़ा ही डाला, थोड़ा ही तो डाला, थोड़ा थोड़ा करते करते हथौड़ा लगेगा, उसी आर्टिकल में है। तो हम बात कर रहे थे स्वयं पर प्रयोग करने की, सबसे पहले विधि, और दूसरी एक सूक्ष्म बात, जितना हम समझते हैं हमारे लिए भोजन की आवश्यकता है, उतनी आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे योग की स्थिति ऊपर चलने लगती है, भोजन भी सूक्ष्म होने लगता है और शरीर एक दूसरी विधि से कार्य करने चालू हो जाता है, जो साइंस को पता नहीं, विज्ञान को भी नहीं पता उसके बारे में। विज्ञान तो कहता है ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। योगी का शरीर किसी और विधि से कार्य करने लगता है, वो कम भोजन से बहुत सारी शक्ति प्राप्त कर लेता है। और ऐसा भी नहीं कि वो कार्य नहीं कर रहा है, सारे दिन भर भी कार्य करते हुए भी बहुत कम भोजन से बहुत अधिक शक्ति को प्राप्त किया जाता है। ये मैं विज्ञान के आधार से तो अभी नहीं कह रहा हूं, केवल अध्यात्म के आधार से कह रहा हूं, विज्ञान के भी इस पे आधार है, परंतु विज्ञान कुछ और कहता है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट हमें स्वयं स्वयं पर करने पड़ेंगे तो ही हो सकता है, उसके लिए कुछ ना कुछ त्यागना पड़ेगा। यहाँ दिन भर कुछ ना कुछ मिलते ही रहता है, टोली या कुछ या कुछ या कुछ, सुबह से चालू हो जाता है मिलना। तो ये सारा जो है वो जरूरी है, परंतु मेरे लिए जरूरी कितना है वो जानना है, उसके सिवा साधनाएं हो नहीं सकती। ये जो है रसेंद्रिय, बिना रसेंद्रियों को कंट्रोल किए जननेन्द्रियों को किस विधि से कंट्रोल किया जा सकता है। सारी कर्मेंद्रिया वश में आ जाएगी अगर ये जबान कंट्रोल में आ जाए तो। तो हम बात कर रहे थे विधि दूसरों कार्य में लगाने की। तो सबसे पहले स्वयं, जो उदाहरण हमने दिया, महात्मा गांधी ने सबसे ऊपर अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, फिर दूसरों को कहा, और उसने भी कहते समय कहा कि देखो करना हो तो करो, नहीं तो मत करो। हम ये नहीं कह रहे कि ये बहुत जरूरी है, ये अनुभव की बातें है सारी, सूक्ष्मतम। तो यहाँ हम बात कर रहे थे मनन की, सबसे पहला पॉइंट है, इस पॉइंट का राज क्या है, किस समय कार्य में लगाना है, किस विधि से कार्य में लगाना है, और चौथा दूसरों के प्रति कार्य में कैसे लगाना है। ये मुरली यहाँ पूरी हुई, उसके बाद ये पैराग्राफ यहाँ चालू होता है कि जहां बाबा कह रहे हैं कि माया के भिन्न भिन्न विघ्नों के समय व प्रकृति के भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय काम में लगाकर देखो कि जो मैंने मनन किया कि इस परिस्थिति के प्रमाण व विघ्न के प्रमाण यह ज्ञान रत्न मायाजित बना सकते हैं व बनाने वाले हैं, वह प्रैक्टिस हुआ अर्थात मायाजित बने। वह सोचा था मायाजित बनेंगे लेकिन मेहनत करनी पड़ी, वह समय व्यर्थ गया। बाबा ने इस मुरली में इस पैराग्राफ के और आगे भी कहा है कि मनन करने के लिए कोई टाइम की आवश्यकता नहीं है, चलते फिरते मनन कर सकते हो। और एक उदाहरण दिया, जब बुद्धि हमेशा दो चीजों में चलती है, ऐसा नहीं कि आप कार्य कर रहे हो तो केवल वही कार्य का सोच रहे हो, अगर बहुत ही ऐसे कम कार्य जहां बुद्धि फुल यूज में होती है, तो आप, बाबा ने कहा वो समय है मनन करने का। ऐसा कोई भी समय ना जाए जिसमें हमारा ये मनन निरंतर होता रहे, सतत होता रहे, इसके लिए हार होती है। क्योंकि थोड़ा सा कर लिया सुबह, आधा घंटा बस हो गया,
सारे दिन भर चलते रहे, मनन सारे दिन भर चलता रहे। ये कुछ समय पहले अभी अव्यक्त वाणी में आया था, अव्यक्त में ना, अभी सीजन में 2012 या 13 में, सारे दिन भर मनन चलता रहे तो शक्तिशाली बनेंगे। सदा और बहुत काल का अभ्यास चाहिए, दो शब्द है, सदा और बहुत काल का। इससे सिद्ध है कि विधि यथार्थ नहीं है, तब सिद्धि नहीं मिली। यूज करने का तरीका भी चाहिए, अभ्यास चाहिए। जैसे साइंस वाले भी बहुत पावरफुल बॉम्ब्स ले जाते हैं, समझते हैं बस इससे अब तो जीत लेंगे, लेकिन यूज करने वाले को यूज करने का ढंग नहीं आता, तो पावरफुल बॉम्ब्स होते हुए भी यहां वहां ऐसे स्थान पर जाकर गिरता है तो व्यर्थ चला जाता है। कारण क्या हुआ? यूज करने की विधि ठीक नहीं थी। ये जो सेकंड पॉइंट थी, ये 4 पॉइंट्स में, यहाँ विधि ठीक नहीं थी। ऐसे एक एक ज्ञान रत्न अति अमूल्य है। ज्ञान रत्न व ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिति व विघ्न ठहर नहीं सकते। कल रात को भी कह रहे थे ना कि ज्ञान की शक्ति के आगे कोई भी विघ्न नहीं ठहर सकता, यही वाक्य है वो, और यहीं से है वो। लेकिन अगर विजय नहीं होती तो क्या समझना है? समझो, यूज करने की विधि नहीं आती, ये पहली बात। दूसरी बात, मनन शक्ति का अभ्यास सदा न करने से, समय पर बिना अभ्यास के अचानक काम में लगाने का प्रयत्न करते हो, इसलिए धोखा खा लेते हो। कोई सर्जन है जिसने बहुत समय ऑपरेशन से नहीं किए, 10 साल, और अचानक उसको बोलो कि अभी ऑपरेशन करो, बिना कुछ पढ़े सीधा ऑपरेशन थिएटर में, और नाइफ दे दिया हाथ में, अब काटो, तो उसको थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन होगा, कहाँ इंसिजन लू। भाई आप इधर आ जाओ, यह अलबेलापन आ जाता है। क्या अलबेलापन? बुद्धि में तो ज्ञान है, समय पर काम में लगा लेंगे ये सोचते हैं, लेकिन सदा का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। सदा का अभ्यास और बहुत काल का अभ्यास चाहिए। नहीं तो उस समय सोचने वाले को क्या टाइटल देंगे? समय पर सोचने वाले को क्या टाइटल देंगे? कुंभकर्ण। उसने क्या अलबेलापन किया? यही सोचा ना, आने दो, आएंगे तो जीत लेंगे, अपनी शक्ति पर घमंड, भरोसा। परंतु झूठा भरोसा है। एक है कि हर चीज की प्रैक्टिस चाहिए, अचानक अगर कह दिया जाए तो वो मुश्किल है। बाबा तो मदद करेगा। ये सब जो कल की मुरली में था ना, अलबेलापन का अभिमान कि मदद हम तो पात्र है ही, बाबा तो बंदा हुआ है, मदद तो करना ही है उसे। हिम्मत वाली जो मुरली थी ना कल की, ज्ञानी योगी तो बन गए, अधिकारी है, सेंटर इंचार्ज बन गए, सेवा की प्रवृत्ति हो गई है, प्रजा तो बनी रही है, आराम से जी रहे, रोटी कपड़ा मकान मिल गया है, आराम से जीवन बीत रहा है, ये सब अलबेलापन के संकल्प है सारे। तो उसने क्या अलबेलापन किया? यही सोचा ना, आने दो, आएंगे तो जीत लेंगे। तो ऐसे सोचना कि समय पर हो जाएगा, यह अलबेलापन धोखा दे देता है। ये धोखा है जिसके लिए बहुत ज्यादा इस बात में भरोसा नहीं करना। इसलिए हर रोज मनन शक्ति को बढ़ाते जाओ हमारी। हाँ, इसमें और एक कहा है, मनन अगर करोगे जैसे आज के वरदान में ना, तो क्या हो जाओगे? ऑलराउंडर। जो भी बातें सुनते हो और देखते हो, समझ लो सार को, तो क्या बन जाएंगे? सरल पुरुषार्थी और ऑलराउंडर बन जाएंगे। तो ऑलराउंडर बनने के लिए ये बहुत आवश्यक है। कभी भी किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, जीवन में कोई भी बाधा परिस्थिति कुछ भी आ सकती है, उस समय हमारे पास ज्ञान रत्न रेडी चाहिए। जैसे योद्धा के पास शस्त्र तलवार जो भी है सब रेडी होते हैं, नहीं तो हार हो जाएगी तुरंत, और फिर हार होने के बाद में सोचेंगे हमारे पास वो ज्ञान बहुत था,
क्लासेस तो बहुत कराई और सुनी, पर ये क्या हो गया? कहाँ उड़ गया सब? और परिस्थिति आई, हार हुई, उसके तुरंत बाद याद आया सारा कुछ, परंतु अभी पेपर तो हो गया, रिजल्ट आ जाएगी, फेल नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर यहाँ है ही नहीं। जन्म जन्मान कल्प कल्पांतर की बाजी है, नेक्स्ट कल्प भी वही है। इसके लिए एक बार भी हार ना हो, ऐसा नहीं कि एक बार हार होगी तो चलेगी, एक बार भी हार ना हो। आज से इस समय से ये संकल्प करो कि हम विजयदाता साथ है तो विजय और कहाँ जाएगी। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो, हार हो नहीं सकती, एक बार भी हार नहीं होनी चाहिए। इतना अलर्ट कॉन्शियस, इतना हमारा माइंडफुल जिसको कहते हैं ना, सतर्क हो, सतर्कता, एक पल के लिए भी ना बेहोश हो, नहीं तो परसों की मुरली में लक्ष्मण का उदाहरण दिया था ना, माया बेहोश कर देती है, फिर कहां से हनुमान आएगा और कब जाएगा संजीवनी बूटी लाने, तब तक क्या बेहोश, और नहीं आया तो पर वैसी सर्विस इधर सब जगह होनी चाहिए। रॉयल रोल वैसा इंजन होना भी चाहिए, पावरफुल। तो धोखा नहीं खाना है। कल सुबह की क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यही है कि अनुभव तो बहुत सारे हैं, परंतु अनुभव से सीख नहीं रहे, बस यही दुख है। अनुभव हो चुके हैं, ऐसे नहीं कि माया ने हराया नहीं, बहुत बार हराया, परंतु फिर भी सीखे नहीं। जैसे लक्ष्मण का ही उदाहरण ले लो, पहली बार उसकी हार हो गई इंद्रजीत से, मेघनाथ ने पहली बार उसको हरा दिया, क्योंकि अहंकार था थोड़ा सा कि ये मेरे सामने क्या है, अहंकार था ना, थोड़ा अभिमान भी था कि मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ, निद्राजीत हूँ, ऐसा हूँ, या हूँ, त्या हूँ, फिर ये हूँ वो। तो इंद्रजीत ने पहली बार उसको हरा दिया अहंकार, परंतु दूसरी बार जब युद्ध हुआ तब इंद्रजीत को परास्त कर दिया, क्योंकि अनुभवी बन गया वो पहली बार के युद्ध से। पहली बार तो बेहोश हो गया, हनुमान को इमरजेंसी जाना पड़ा और मेडिसिन लाना पड़ा, इमरजेंसी ट्रीटमेंट। जाके तुरंत वो पूरा लेके आना और फिर उसमें से सब मेडिसिन बनाना, वो सब देना, उसमें थोड़ा ये हुआ, अगर नहीं होता तो बिल्कुल ही वॉज जस्ट अबाउट टू डाई, गैस्पिंग, मतलब वेंटिलेटर वगैरह कुछ भी काम नहीं कर रहा था, वो तो मेडिसिन आ गई, इंजेक्शन, और वो बच गया। उसने बहुत बड़ा पार्ट सीख लिया, इसके लिए दूसरी बार पूर्ण सतर्क, और दूसरी बार उसकी विजय हुई। मेघनाथ जो है वह काम विकार का प्रतीक है, रावण अहंकार का प्रतीक है। पहली बार हार हुई काम विकार से, दूसरी बार वो जीत गया। इसके लिए श्रेष्ठ ब्रह्मचारियों में भी लक्ष्मण का नाम आता है। अर्जुन और कर्ण का जो युद्ध था, उसके पहले दिन अर्जुन अपने बाणों को तेज कर रहा था, नकुल उससे पूछता है कि आप ये कितनी बार बाणों को तेज करोगे, अभी कल तो, वो कहता है कल का मेरा जो युद्ध है कर्ण के साथ, मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ युद्ध है, निर्णायक युद्ध है ये, इसके लिए मैं थोड़ा भयभीत भी हूं अंदर से, एक पल भी बेहोशी नहीं होनी चाहिए, एक पल भी मूर्छा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हार हो जाएगी। इतनी सतर्कता हो तब हो सकता है ये कार्य। अच्छा, तो ये जो मुरली है, मैं चाहूंगा कि ये मुरली हम कोई ना कोई इसको लेके यहाँ एक दिन रिवाइज करें। ये जो मुरली है 10 जनवरी 1988, आज से सब इसको थोड़ा थोड़ा एक बार तो पढ़ी लेना आज के दिन, और अचानक फिर किसी को कहेंगे आकर पूरी मुरली इधर रिवाइज करें, ठीक है कमलेश भाई? अचानक का पार्ट इसके लिए, ये पूरी की पूरी मुरली, इसमें और भी मुरली बहुत सारी आगे है। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात क्या, ये नहीं कि स्वदर्शन चक्र घुमा दिया, हाँ अभी मैं सतयुग में, त्रेता में हूँ, द्वापर में हूँ, कलयुग में, ये इतनी आयु, इतनी आयु, इतनी आयु, ये नहीं है स्वदर्शन चक्र, शक्तिशाली स्थिति, ये बहुत सारी बातें उसमें। तो ये मुरली पढ़ के तैयार करके रखना, अचानक से
किसी का भी नंबर आ सकता है इसके लिए। स्मार्ट वर्क करना है इसके लिए, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क की आवश्यकता है। अच्छा, दूसरी कुछ सूचना है, ये जो कमेंट्री हमारी जो सीरीज चालू है, ये 108 कमेंट्री है, तो इसको ऐसे बना लो कि जैसे ये 108 दिनों की भट्टी है। सोचो कि वो भट्टी आरंभ हो चुकी है, 108 दिन की इसको भट्टी बना लो कि जिसमें रोज एक कमेंट्री यहाँ सुनाई जाएगी। वो कमेंट्री हम पहले से ही पढ़ के आए, और जो सुनाने वाले हैं वो जो म्यूजिक है वो पहले ही ले ले, सॉफ्ट म्यूजिक जो 12 मिनट का जो बचता है वो पहले ही ले ले, और चलते फिरते उसका अभ्यास करे वो कमेंट्री के साथ, ताकि यहाँ सुनाने से पहले वो अभ्यास कई बार हो चुका हो, वो म्यूजिक आज डाल देना। दूसरी बात, ये क्लास में आने का जो टाइम है वो 5:20 का है, 5:15 या 5:15-5:20 के बीच में। इसके लिए सभी से नम्र निवेदन है, दरख्वास्त फिलहाल नंबर बाद में कि टाइम पर आओ, नहीं तो जो प्रवाह जो चल रहा है उसके बीच में आने से वो नहीं आता है, बहुत सारी चीजें छूट जाती है, वो इतना कैच नहीं कर सकते। इसके लिए टाइम जो है, डोर क्लोज क्लास कर देंगे, डोर क्लोज 5:20 को बंद तो जैसे ही वहाँ की मुरली पूरी होती है, यहाँ वहाँ भटक न भटक कर सीधा इधर आ जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, और जो सुनाने वाला है और जो कमेंट्री करने वाले हैं उनको भी जरा आनंद आएगा। ठीक है, तो अभी चलो हम पावरफुल कमेंट्री की ओर, सभी अलर्ट होकर बैठ जाइए। जो भी कमेंट्री चलेगी, सोचो ये मैं खुद कर रहा हूँ, मेरे लिए हो रही है, और उसी स्वरूप का यहाँ सुनकर फिर अगर पढ़ी नहीं होगी किसी ने, जाकर उसको पढ़ना और सारे दिन भर भी वो अभ्यास करना। अच्छा, ओम शांति।